दुनिया में ओमिक्रोन के बढ़ते प्रभाव के चलते इंदौर का बैडमिंटन प्लेयर विदेश में फंस चुका है। हालांकि प्लेयर अपने घर वालों के संपर्क में है, लेकिन अब परिवार वाले चाहते हैं कि वो दक्षिण अफ्रीका से जल्द भारत लौटकर इंदौर पहुंचे, लेकिन हवाई उड़ानें बंद होने के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। इंदौर के LIG कॉलोनी में रहने वाले खुशवानी परिवार की खुशी दुख में इसलिए तब्दील हो चुकी है क्योंकि उनका लाडला इन दिनों दक्षिण अफ्रीका से इंदौर लौटने के लिए संघर्ष कर रहा है। बता दें कि बैडमिंटन खिलाड़ी फिलहाल बोत्सवाना में फंसा है और उसके परिवार द्वारा अब केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर खेल मंत्री तक से मदद की गुहार लगाई जा रही है। प्रियांश के पिता दिलीप खुशवानी ने शुक्रवार सुबह बताया कि प्रियांश 25 से 28 नवंबर के बीच आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की नुमाइंदगी के लिए उनका बेटा प्रियांश बोत्सवाना गया था। वो सेमीफाइनल में हार गया था, लेकिन प्रतियोगिता समाप्त होने के बावजूद वो अब भारत नहीं आ पा रहा है। 28 नवंबर को बोत्सवाना की राजधानी गेबोरोन से उनके बेटे को कतर एयरवेज की उड़ान से दोहा आना था, लेकिन उड़ानों पर प्रतिबंधों के चलते वो नहीं आ सका, जिसके बाद उन्होंने और प्रियांश ने 3 दिन में गेबोरोन दोहा की 2 उड़ानों में टिकट बुक किए, लेकिन प्रतिबंधों के चलते वो उड़ानें भी रद्द हो गई। देखिए, वो बोत्सवाना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री आती है, वहाँ पे इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट था, वहाँ पार्टिसिपेंट करने गए थे और वहाँ पे वो सेमीफाइनल तक पहुँचे थे। उन यहाँ से वो 23 नवंबर की मॉर्निंग को उनकी फ़्लाइट थी और वापसी उनकी जो थी वो 28 नवंबर की फ़्लाइट वापसी थी, लेकिन 27 तारीख को सारी फ़्लाइटें कैंसिल हो गई, उनकी टिकट कैंसिल कर दिए गए कतर एयरलाइंस के द्वारा। और उसके बाद से मैंने 2 एयरलाइंस की और टिकट कराई थी, वो भी उन्होंने भी कैंसिल कर दी। अभी वो बोत्सवाना में गैब्रियोनो करके जगह है, वहाँ पे वो रुके हुए हैं, वहाँ की लोकल एम्बेसी उनकी काफ़ी हेल्प कर रही है। बाकी वो एम्बेसी का यही कहना है कि एयरलाइंस हमारे हाथ में है नहीं, अब जो भी होगा मतलब इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू ही। जो क्या कारण बता रहे हैं? ओमिक्रॉन जो अभी नया वेरियंट हुआ है, उसी वजह से फ्लाइट वाले जो भी हैं कैंसिल हो रही हैं। और काफ़ी सारी फ्लाइटें वहाँ से जो भी जाती थी वो साउथ अफ्रीका और ये बोत्सवाना से पैसेंजर पिक नहीं कर रहे हैं वहाँ से। अच्छा, क्या किस तरीके से कि भारत सरकार से गुहार लगाई आपने, किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? मैंने भारत सरकार से ट्विटर के द्वारा और पर्सनल अपना PMO कार्यालय और ज्योतिराजी सिंधिया इन सबको कॉरेस्पोंडेंस के द्वारा मैंने गुहार लगाई है कि मेरे बच्चे को जितना जल्द हो सके सेफ से सेफ होके इंडिया आए और इंदौर आके। भारतीय दूतावास प्रियांश की मदद कर रहा है, लेकिन उनका बेटा जल्द इंदौर लौटे इसके लिए वो लगातार भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं ताकि उनके घर की रौनक लौट सके। मृदुभाषी के लिए इंदौर से चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।